सर ये पार्टी बाई का मसला है, मैनू इतने बिल्कुल गलत बसाया जा रहा है जदों के मेरी दुकान से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जे किसी बंदे ने कोई यह हरकत करनी होंगी है तो वह आपकी दुकान से सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाता। जो लड़की गई है उस तो बाद ही हूँ चैकअप करने तो बाद फादर साहब नाल गए ने, उन्होंने मेडिसिन दी है, जो उन्होंने इंजैक्शन वगैरह दिता उस टाइम ही वो नाल सी उहदे फादर साहब। जो बाहर आए ने कुड़ी नूं मैं दवाई फड़ाई है, वो फादर साहब ने 150 रुपया मैनू दिता है। वो देने तो बाद जांदी वारी मेरा थैंक यू करके गए ने, वो कुड़ी भी और उहदे फादर साहब भी। मेरे को सीसीटीवी कैमरे दियां फोटोज नाल ने, वो मैं तुहानूं दस्ती दे देना जी, तुसीं लै लो ते जिवें तुहानूं लगता है चैक कर लो। जे उहदे बेस ते कोई परचा मेरे ते बनदा है तां मेरे ते ओह कारवाई कर दित्ती जाए, मैनूं कोई इतराज नहीं। ये जी बड़े गरीब परिवार है बेचारे, साढ़े नाल दे पिंड दे मेहनत मजदूरी करने वाले आम गरीब फैमिली आ सारी, जिहड़ी कि रोज़ दिहाड़ीदार रोज़ दिहाड़ी करके आपका पेट पालन वाले आ, मेहनत कश आदमी है। मतलब ऐसे वैसे कोई मतलब गलत फैमिली नहीं, सारे अपने काम करने वाले मेहनत करने वाले ऐसे परिवार, इन्होंने बड़ा ज़्यादा धक्का होया। एक पहला भी इतने पहला रौला पिया सीगा, पहला भी FIR हुई है ता वो जी, क्योंकि जलालाबाद दे विच कुछ ऐसे ग्रोह सीगे जिहड़े काम करते सी, उन्हां ग्रोहां दा जदों पर्दाफाश होया ते उस दी कोर्ट दे विच कुछ पुलिस अफसरां ने इहदे नाल साजबाज़ हो के उन्हां ग्रोहां दा फायदा नाल इहनूं देता। उस वेले भी इह कुछ बंदिआं दे साडे वर्गिआं दे इलजामबाजी करदा सी, जिहदी मैं तुहानूं आडियो वी भेजती है, इह मेरे ख्याल दसंबर के जनवरी दी है, क्योंकि आ पंप लगन दे विच भी मैं दी बड़ी मदद की है। कोई किसी किस्म का मैं कदे किसी का कोई बुरा नहीं किया गा, उदो मैं इहनूं पुछिया सी, मैनूं कुछ सज्जणा ने कहा सी, कुछ आगुआं ने आके भी तुहाडा नां लै रहा ते परचा होया, अपने आप की जिहड़ी कीती एडे वड्डे क्राइम कीते नूं छुपाउण दे वास्ते एक मेरे ते इलजाम लाया गया कि इह उस वेले भी कराया, उहदी मैं तुहानूं आडियो क्लिप भेजती है। उदो मैं इहदे नाल फोन ते गल की, वह बतौर सबूत है, और अज भी मैनूं पता लग्या कि मेरा नां लाउंदा। और पुलिस जिहड़ी इह परसों का केस है, देखो उन्हां अफसरां ने जिन्हां ने पहला इहदे कोलों मोटे पैसे खाधे आ, हुण फिर वह दुबारा पहलां वाले हजम करके दुबारा खा के इहनूं कढ़ना चाहुंदे सीगे। जिहड़ा कि वीडियो कैमरा जिहड़ा इहदे दफ्तर के बाहर लग्या होया, अंदर इहदे दो कमरे आ, जिहड़े अंदर दो कमरे दे विच 15 मिनट रहा कि 10 मिनट अंदर रहा, की कीता की ना कीता, वह लड़की ने पुलिस नूं भी दस्सिया, आपदी मां नूं भी जाके दस्सिया कि होया की ना होया। तो उन्होंने ये जी उत्थे हॉस्पिटल के भी बड़ी ज़्यादा देरी हुई, कल जो मैं 4 बजे पता लग्या तो मैं वो इन्हों गरीब बंद मदद करना मेरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि गरीब तो पहले ही एक रब का मारिया है जोड़ा रोज़ मजदूरी करके खाने वाला, तो ये जोड़े पैसे दे और हब्स दे ऐसे बंदे जोड़े ये हंकारी बंदे है ऐसे काम कर, होर भी अंदरूनी गल्लां साडे कोल पहलां पंचायत कोल आईआं, क्योंकि बहुत घट मसले यहोजे बाहर तनेजा साहब निकलते हैं, क्योंकि लोग नाल लड़कियां
वह अफेक्टड परिवार अपनी भी उन्नी ही बेइज्जती समझते हैं। हाँ जी सर, अपने साढ़े को ना एक रुका है हॉस्पिटल तो वो असी साढ़े लेडी एस आई रमनदीप कौर तो एस आई जसविंदर सिंह यदा बयान लिखने वास्ते गए थे, उसका अं बयान लिख के लिया के वे खिलाफ़ जो परचा दर्ज करता है। 45 नंबर एफ आई आर है जी, मिति हैगी 18/5/2020 की, 376/506 IPC 3/4 पॉक्स फैक्ट के तहत असं परचा दर्ज किया। आरोपी कौन है? आरोपी कुलवंत सिंह है जी। की काम करता है? ये कोई मेडिकल अपने RMP डॉक्टर का करता जी काम इतने। गिरफ्तारी सर कोई हुई? गिरफ्तारी कोई नहीं हुई जी। सर ये पार्टी बाई का मसला है, मैनू इत्थे बिल्कुल गलत पसाया जा रहा है जदों के मेरी दुकान पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जे किसी बंदे ने कोई यहोजी हरकत करनी होंदी है तो वह आपकी दुकान पर CCTV कैमरे नहीं लगाता। जो लड़की गई है उस तो बाद ही हूँ चैकअप करने तो बाद फादर साहब नाल गए ने, उन्होंने मेडिसिन दी है, जो उन्होंने इंजैक्शन वगैरह दिता उस टाइम भी वो नाल सी उहदे फादर साहब। जो बाहर आए ने कुड़ी नूं मैं दवाई फड़ाई है, वो फादर साहब ने 150 रुपया मैनू दिता है। वह देन तो बाद जांदी वारी मेरा थैंक यू करके गए ने वो कुड़ी भी और वो फादर साहब भी। मेरे को CCTV कैमरे दियाँ फुटेज नाल ने, वो मैं तुहानू दस्ती दे देना जी, तुसीं लै लो ते जिवें तुहानू लगता है चैक कर लो। जे उहदे बेस ते कोई परचा मेरे ते बनता है तो मेरे ते वो कार्रवाई कर दी जाए, मैनू कोई इतराज नहीं। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब DGP पंजाब और SSP साहब फाजिलका तो यह मंग करदा कि किसी इमानदार तो उच्च अफसर तो यदि इनकुआरी करवा के जे बनती सज़ा हैगी है तो मैनू दी जाए, जे नहीं बनती तो जेडे बंद ने यह कार्रवाई की है उन्होंने बंद सारी कानूनी कार्रवाई की जाए उस ढंग तरीके जिस ढंग पुलिस का ज पुलिस मुलाजमान का महकमे का जो काम बनता है आपकी कार्रवाई न। मेरा उन्हें कोई लेन देन नहीं होगा किसी तरह का, मैं उन्हें किसी तरह की कोई खज्जल खुआरी किसी नहीं कराँगा। मैं पूरी इमानदारी सारिया जड़िया रिपोर्टा ने ज कोई CCTV कैमरे दिया फुटेज ने वो नाल देवगा। जे मैं अपना लोड़ पई मैनू महकमा कहता है ज कोई भी पुलिस अफसर कहता है भी तू अपना DNA टेस्ट करवाने तैयार है तो मैं हुणे भी करवाने तैयार हाँ, मैनू कोई इतराज नहीं। ये जिहड़ी कार्रवाई है सारी झूठी तो घिनौनी कार्रवाई है। मैनू ये सारे कहिंदे ने भी ये चोला चक के पिंडों आया सी सैकल ते, अज इहने पंप भी ला लिया है, इहदी दुकान भी है सारा अड्डे ते इहने कब्जा कर लिया, एड्डी कोठी पा ली है ते इहने लोकां नूं लुट्टिया है। मैं अपनी मेहनत कीती है जदों तो मैं लैके लग्गिया, मैं दिन रात मेहनत करना, नाल मेरे 3 भतीजे ने 2 भरा ने जिहड़े असीं सारे रल मिल के इत्थे मेहनत करने आ 24 घंटे। असीं हर वेले किसी नूं रात बरात जिस टाइम मर्जी लोड़ पैंदी है असीं किसी नूं ना नहीं करदे। पिछे जे करोना दा टाइम सी उस टाइम ही असी सारे लोगों को पूरी सहूलत दी, भावें सानू घरे जाके रिपोर्टा की सहूलत देनी पैगी, भावें सानू दुकान पर जा जिथे भी जाना पिया, असी हर एक लोगों की पूरी हैल्प की। इत्थे 1-2 वारी अवला साहब भी लंघते टपते साडा थैंक यू करके गए जो साडे मौजूदा MLA ने। पिंड के सरपंच ने जी, सरपंच साहब जे हूँ मौजूदा तो नहीं है, पहला शेरबाज सिंह जी ने जी, उन्होंने लड़के मौजूदा सरपंच ने। बस आई रंजिश करके भी ये पता नहीं क्यों इतने तगड़ा हो गया, पंप किमें आ गया, असं भुखे मरी जाने बस सिस्टम यही है जी।